नमस्कार, मैं मदनलाल, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। श्री गंगानगर में एफसीआई श्रमिकों की जीत हुई, एफसीआई प्रशासन झुका मजदूरों की एकता के आगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एफसीआई डीएम कार्यालय का घेराव। एफसीआई लेबर एंड पल्लेदार यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों जिलों के श्रमिकों ने शिरकत की। वहां हुई सभा को संबोधित सीटू के प्रदेश महामंत्री बीएस राणा, राज्य उपाध्यक्ष आतम सिंह सीटू, गंगानगर का जिलाध्यक्ष जुम्मे खान, हनुमानगढ़ जिला उपाध्यक्ष शेर सिंह, माकपा नेता पूर्व विधायक कामरेड हेतराम बेनीवाल, कामरेड मनीराम मेघवाल, आत्मा सिंह आदि प्रतिनिधिमंडल ने सभा को संबोधित कर एफसीआई प्रशासन से वार्ता की, जिसमें एफसीआई श्रमिकों की हुई बड़ी जीत, एफसीआई प्रशासन झुका, दोनों जिलों के सभी धान मंडियों में गेहूं भंडारण ने व्यवस्था की गई, गेहूं के थैलों का सीधा उठाव न करके स्केटिंग करने के बाद उठाव किया जाएगा। कामरेड मनीराम मेघवाल, माकपा नेता बीजेपी का। अभी हम गंगानगर से एफसीआई के डीएम के ऑफिस से आ रहे हैं। वहाँ पर हजारों मजदूरों ने बड़ी संख्या में डीएम के कार्यालय का घेराव किया। डीएम साहब के अड़ियल रवैये के कारण जो गेहूं के सीधे उठाव का फैसला तमाम मंडियों में लिया गया था, उस फैसले को एफसीआई प्रशासन ने वापस ले लिया। मजदूरों की बहुत बड़ी जीत हुई है और एफसीआई का प्रशासन झुक गया है। अभी सारी मंडियों में पुतले जलाए गए। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के तमाम मजदूरों ने अपनी एकता का परिचय दिया है और डीएम प्रिंस हेमराज जो अड़ियल रवैया अपनाए हुए था वो झुके हैं और मजदूरों की बात को माना गया है। सभी मंडियों के अंदर कैब की व्यवस्था कर ली गई है, वहाँ गेहूँ का भंडारण होगा और उसके बाद काम जो है यथावत चलता रहेगा। एफसीआई के काम को लेकर जो दोनों जिलों की मंडियों में सीधे उठाव के बारे में जो चल रहा था उसके बारे में आज गंगानगर जिला की मंडियाँ सारियाँ बंद की गई और हनुमानगढ़ जिला में सभी धान मंडियों के गेट के आगे जो पुतले डीएम के पुतले दहन किए गए और उसके बाद गंगानगर हनुमानगढ़ जिले से गंगानगर सभी मंडियों से मुख्य साथी पहुंचे और वहां आज जो डीएम गंगानगर में नेहरू पार्क में सभी मजदूर इकट्ठे हुए और उसके बाद रैली के रूप में डीएम ऑफिस पहुंचे। गंगानगर के मिर्जेवाला और ऑफिस पहुंचने के बाद कानपुर ब्लॉक आम सभा की गई। हरदिंदर सभा में ब्लॉक अध्यक्ष पूरा विधायक गैलेक्सी ब्रांड कामरेड हेतराम बेनीवाल जी संग और दो की राज्य एक एक 29 27 27 दूसरी टीम में कक्षा अध्यक्ष चमकौर सिंह दल सिंह ब्रांड ने 54 मंडियों में जाने वाला लाल भाई रूपनगर गेहूं उसी मंडियों में उसका भंडारण किया जाए। पदमपुर ब्लॉक सचिव निशान सिंह, कुंडल गुरमेल सिंह सेठी, उपाध्यक्ष रिशपाल सिंह, मक्का सरनी पदमपुर ब्लॉक के गांव 8NN नेलवा संगतपुरा 47 जीदी व जिला कमेटी मेंबर रविंद्र सिंह परमदीप सक आदि ने विजयनगर ब्लॉक में धुआंधार प्रचार किया। किसानों में बहुत सारा गुस्सा है। 16 मई को हजारों की संख्या में किसान गंगानगर पहुंचकर कलेक्टर का घेराव करेंगे। जब तक हक नहीं मिला शिद्दत से लड़ेंगे। वहाँ से अपनी कुर्सी छोड़ के भाग गया बीकानेर, एक मीटिंग का बहाना बना के, पर वहाँ का जो प्रशासन अधिकारी बैठे थे उन्होंने डीएम से वार्ता करके और इस समझौते को इस माना जो हमने लिखित में ज्ञापन दिया उसको माना कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज है, इस पर हम गौर करेंगे और बाजार से हम सीधा माल लोड नहीं करेंगे। सारा माल किस जिन जिन मंडियों में एफसीआई खरीद कर रही है उन्हीं मंडियों में हम कैब